हेलो एवरीवन, आई नो आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग, इतना बड़ा ब्रेक लेने के बाद एंड फिर से मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूं। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि 10th ऑफ जनवरी को मेरे एग्जाम्स होने वाले थे प्रॉफ के, जिसका नोटिस हमें 9th ऑफ जनवरी को मिला कि पोस्टपोन हो गए हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में एग्जाम्स जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं एमबीबीएस के, एंड वी वर ऑल सेट टू अपियर फॉर एग्जाम्स, प्रिपरेशन पूरी थी। तो अब क्योंकि एग्जाम्स पता नहीं कब होंगे, इसीलिए रिवीजन तो बंद नहीं किया जा सकता, एंड मेरे पास पूरे नोट्स, पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ है। सो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूं, मेरा भी रिवीजन होगा इससे, एंड आप लोगों को पता चलेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और आप लोगों का भी एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो जितने भी सेकेंड ईयर मेडिकोज हैं, जस्ट स्टे ट्यून्ड, क्योंकि सारी वीडियोज तीनों सब्जेक्ट्स की आने वाली हैं। दिन में मैं कोशिश करूंगी कि 5 वीडियोज अपलोड कर पाऊं, ठीक है, एंड कुछ वीडियोज लंबी हो सकती हैं क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी, मतलब 1 मंथ के अंदर वी हैव टू रिवाइज ऑल 3 सब्जेक्ट्स। सो थोड़ा सा हमें फास्ट होना पड़ेगा। आई विल ट्राई एंड फिनिश लाइक 1 सब्जेक्ट एक वीक में करने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स सी क्या ये हो पाता है। एंड आज का जो टॉपिक है, क्योंकि माइक्रो की मैं एक वीडियो पहले डाल चुकी हूं जिसके अंदर इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल पार्ट मैंने बताया है, तो वो आप देखिए एंड उसके बाद हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जो कि है जनरल बैक्टीरियोलॉजी। अब जनरल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल एनाटमी। बैक्टीरियल एनाटमी में आई एम नॉट गोइंग टू टीच ईच एंड एवरी पार्ट, लेकिन जिसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ वो हम कवर करेंगे, जो कि हम जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीजें हम पढ़ भी लेते हैं बट हमें याद नहीं रहती हैं। सो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे सेल वॉल, न्यूक्लियस, कैप्स्यूल, फ्लैजिला, फिम्ब्रिया एंड स्पोर्स। स्पोर्स पे तो हमेशा ही क्वेश्चन आता ही आता है, फ्लैजिला पे भी आ सकता है, एंड सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप समझना चाहते हैं ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें पता है कि किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, वो हम नहीं जा रहे हैं, हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसके लिए 3 अप्रोच से इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन फाइलोजेनेटिक, सेकेंड एडेंसोनियन एंड थर्ड इज जेनेटिक। सो फाइलोजेनेटिक का बेसिस क्या है, तो फाइलोजेनेटिक में क्या कहते हैं कि एक कैरेक्टर लेते हैं हम एक टाइम पे, ठीक है। फर्स्टली वी विल टेक 1 कैरेक्टर, देन अनदर कैरेक्टर एंड अ ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कैरेक्टर ले लिया, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे हमें डिवाइड करना है, तो ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, ग्राम नेगेटिव कौन सा है, इससे दो में हमने क्लासीफाई कर दिया। फिर पॉजिटिव वाले में कोई और कैरेक्टर लेके उनको डिवाइड कर दो। सो ये बेसिस होता है फाइलोजेनेटिक का। नेक्स्ट इज एडेंसोनियन। एडेंसोनियन में हम क्या करते हैं कि वी टेक ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया एट अ सिंगल टाइम, ठीक है, और ईच एंड एवरी कैरेक्टर को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। जेनेटिक क्लासिफिकेशन, तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जी प्लस सी कंटेंट। जी प्लस सी कंटेंट आपको पता है कि ए टी एंड जी सी होता है डीएनए के अंदर, इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो जीसी जिसके अंदर ज्यादा होगा उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा स्टेबल होगा जेनेटिक मटेरियल, तो जीसी कंटेंट के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ 3 क्लासिफिकेशन है इस पे, इतना कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब देखिए आपको यहां पे 2 टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है, जिनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जो 1 वर्ड के अंदर आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है, एटीसीसी एंड एनसीटीसी। सो एटीसीसी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन एंड एनसीटीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल कलेक्शन ऑफ टाइप्ड कल्चर। आई नो ये याद रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमेशा ही कन्फ्यूजन हो जाता है कितनी भी बार पढ़े, बट इसको एक बार के लिए देख के जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि आ सकता है 1 वर्ड या एमसीक्यू में। अब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि इसमें जो है ऑर्गेनल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, तो वो बेसिक डिफरेंसेस जो हमने एनसीईआरटी में भी हमेशा पढ़े थे वही डिफरेंसेस हैं, एक बार के लिए आप देख लेना, इससे अभी क्वेश्चन जैसे नहीं आते हैं इतने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हम माइक्रोस्कोपी देखने वाले हैं, क्योंकि हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी सिर्फ माइक्रोस्कोप
पी से ही देख सकते हैं. ओके, देन टेक्निक्स ऑफ विजुअलाइजिंग बैक्टीरिया, हम कैसे कैसे कौन कौन से टेक्निक से बैक्टीरिया को देख सकते हैं, बैक्टीरिया की साइज, शेप एंड उसका अरेंजमेंट, तो ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. देखिए अब स्टेनिंग, अनस्टेन्ड प्रिपरेशन हम क्यों करते हैं और कौन कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं जो अनस्टेन्ड होती है. तो अनस्टेन्ड क्योंकि देखिए हमें बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, तो उसके लिए या तो स्टेन्ड करो प्रिपरेशन या फिर अनस्टेन्ड प्रिपरेशन करो. तो दो टाइप की प्रिपरेशन हमारे पास होंगी तो ही हम बैक्टीरिया देख सकते हैं. नेकेड आई से तो बैक्टीरिया दिखाई नहीं देगा. अनस्टेन्ड प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास हैंगिंग ड्रॉप जो कि हम करते भी हैं हमारे प्रैक्टिकल्स में, उसके अंदर हम मोर्टिलिटी ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं. ठीक है, एंड दूसरा आप नाम याद रख सकते हैं अनस्टेन्ड प्रिपरेशन का, डेलिक्रोस्कोपी. स्टेन्ड प्रिपरेशन पे अब हम आ जाते हैं, तो हमारे पास फोर टाइप्स की स्टेनिंग हम कर सकते हैं. ठीक है, हम सिंपल स्टेनिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू से सिंपल हमने स्टेन कर दिया, बस एक स्टेन डाला एंड हमने विजुअलाइज कर दिया. हम नेगेटिव स्टेन कर सकते हैं. नेगेटिव स्टेन क्या होता है कि इसके अंदर हम बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया को स्टेन नहीं कर रहे हैं, बैकग्राउंड को स्टेन कर रहे हैं और बैक्टीरिया अनस्टेन रहेगा. एग्जाम्पल है इसके निग्रोसिन स्टेन, इंडियन इंक स्टेन, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं कैप्स्यूल ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं. ठीक है, बेसिकली ये जो स्टेन्स हम करते हैं ये होते हैं फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्स्यूल, की बैक्टीरिया के अंदर कैप्स्यूल है या नहीं. उसके बाद है सिल्वर इम्प्रिग्नेशन स्टेन. तो सिल्वर इम्प्रिग्नेशन स्टेन का यूज क्या होता है कि जो बहुत ही थिन बैक्टीरिया होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं उसके ऊपर सिल्वर जाके डिपोजिट हो जाता है, उसको थोड़ा थिक बना देता है एंड फिर वो इजिली विजुअलाइज हो जाते हैं. तो इसके एग्जाम्पल है फॉन्टेना स्टेन या लेवेदिती स्टेन. ठीक है, और फ्लैजिला को भी हम देख सकते हैं इनसे. तो सिल्वर इज डिपोजिटेड ओवर द बैक्टीरिया एंड देन द बैक्टीरिया अपीयर्स थिकर एंड कैन बी व्यूड अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब है डिफरेंशियल स्टेन जो कि हम करते ही हैं अपनी लैब के अंदर. जेडन स्टेनिंग भी हम करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए एंड ग्राम स्टेनिंग भी हम करते हैं. तो डिफरेंशियल स्टेन का मतलब क्या होता है, दो टाइप के डाइज हम यूज करते हैं. Some get one color and the other bacteria will get the second color. For example, gram stain में हम दो stains use करते हैं. ठीक है, Zn staining में भी हम use करते हैं. तो gram positive जो होते हैं वो blue color के appear होते हैं, gram negative pink color के appear होते हैं, क्योंकि हमने दोनों ही stain Gentian violet और saffronin use किए होते हैं. तो आपको पता होना चाहिए, ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं ग्राम स्टेन किस टाइप का स्टेन है, तो डिफरेंशियल स्टेन है. ठीक है, तो बेसिकली इन चार स्टेन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. अब हम आगे बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया की. ठीक है, शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो ये तो अभी तक आपने पूरा माइक्रो पढ़ ही लिया है तो पता ही होगा कि कोकाई हो सकते हैं. ठीक है, जो कि स्फेरिकल, बेसिलाई हो सकते हैं रोड शेप, विब्रियो हो सकते हैं कोमा शेप्ड, स्पाइरिला हो सकते हैं रिजिड. ठीक है, रिजिड होते हैं. स्पाइरोकीट्स और स्पाइरिला में डिफरेंस क्या होता है कि हेलिकल होते हैं दोनों ही, लेकिन स्पाइरिला रिजिड होता है एंड स्पाइरोकीट्स जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है. एक्टिनोमाइसिट्स एंड माइकोप्लाज्मा. कोकाई की कोई भी जिसके पीछे कोकस लगा हो, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, बेसिलस का एग्जाम्पल ई कोलाई, सेल्मोनेला, विब्रियो मतलब कोमा शेप्ड, विब्रियो कॉलेरे, स्पाइरिला रिजिड, हेलिकोबैक्टर एंड कंपाइलोबैक्टर, स्पाइरोकीट्स फ्लेक्सिबल, ट्रिपेनिमा पैलिडम जो कि सिफिलिस कॉज करता है, एक्टिनोमाइसिट्स जो कि फिलामेंटस होते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिट्स इजरायली, माइकोप्लाज्मा जिसकी सेल वॉल डिफिशियंट होती है, सेल वॉल होती ही नहीं है इसमें, इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया. अब अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो देखिए हम कोकाई और बेसिलाई की अलग अलग करेंगे. कोकाई जो होता है इट कैन बी सीन इन पेयर, हो सकता है कि पेयर में हो जैसे न्यूमोकोकस होता है, देन हो सकता है कि चेन्स में अरेंज्ड हो जैसे स्टेप्टोकोकस होता है, हो सकता है क्लस्टर्स में अपेयर हो जैसे स्टेफाइलोकोकस होता है. ठीक है, अब मेरे को न्यूमोकोकस में थोड़ा डाउट हो जाता है तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या की थी कि निमोनिया कॉज करते हैं मतलब लंग्स को इफेक्ट करते हैं, तो लंग पेयर में होते हैं. ठीक है, दो होते हैं अपने पास लंग, तो ये मुझे हमेशा हेल्प करता है, आपको भी शायद हेल्प करे. बेसिलाई, बेसिलाई की बात करें तो सिंगल इकोलाई, चेन्स में कौन सा होता है बेसिलस एंथ्रेसिस, पैलीसेड अरेंजमेंट. तो पैलीसेड अरेंजमेंट क्या होता है कि लाइक चेन्स एक के ऊपर एक अरेंज हो ऐसे, तो उसको बोलते हैं पैलीसेड अरेंजमेंट. ये होते हैं डिप्थेरियोइड्स,
ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जब कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया पढ़ते हैं तो उसको डिप्थीरियोड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमसे पूछा जाता है, क्योंकि एल्बर्ट स्टेनिंग करते हैं लैब में भी, तो वाइवा में भी पूछ सकते हैं, तो अरेंजमेंट का भी एक डिफरेंस पॉइंट हम इनमें बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है क्यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, चाइनीज लेटर पैटर्न होता है इसका, एंड डिप्थीरियोइड्स जो होते हैं वो पैलिसेड अरेंजमेंट में होते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम स्टेनिंग का जो बेसिस है उसके ऊपर भी हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली ग्राम स्टेनिंग क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिश्चियन ग्राम इंट्रोड्यूस दिस टेक्निक, एंड हम इसके अंदर सबसे पहले बेसिक डाई लेते हैं, क्रिश्चियन वॉयलेट या जेंशियन वॉयलेट, ठीक है। उसको हमने एक स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर हमने प्रिपेयर किया, स्मेयर प्रिपेयर किया, उसको ही ड्राई किया, उसके बाद हमने फिक्स किया उसको, फिर उसके ऊपर हमने क्रिश्चियन वॉयलेट डाला, क्रिश्चियन वॉयलेट हमारा प्राइमरी स्टेन हो गया। उसके बाद हमने ग्राम्स आयोडीन डाला, ये एक मॉर्डेंट के जैसे काम करता है, इट बाइंड्स द डाई टू बैक्टीरियल सेल वॉल एंड फंक्शंस एज मॉर्डेंट। उसके बाद हमने डीकलराइजर डाला, ठीक है। तो क्रिश्चियन वॉयलेट डालने के बाद हमें 1 मिनट के बाद हमने ग्राम्स आयोडीन डालना है, और हर एक स्टेप में हमें डिस्टिल वाटर में वॉश करना है। डीकलराइजर जो है इसको हमने 3-4 सेकेंड्स के लिए ही डालना है। एसीटोन एल्कोहल हम यूज करते हैं एज अ डीकलराइजर, सम बैक्टीरिया विल गेट डीकलराइज्ड, ठीक है, एंड अदर्स विल नॉट ड्यू टू डिफरेंस इन देयर सेल वॉल। उसके बाद काउंटर स्टेन, देन काउंटर स्ट्रेन में हम सेफ्रेनिन यूज करते हैं जो कि पिंक डाई है। द बैक्टीरिया विच अपियर्स पर्पल ग्राम पॉजिटिव, बैक्टीरिया विच अपियर्स पिंक और ग्राम नेगेटिव। तो इसके ये मैंने थोड़ा हल्का सा बताया है यहाँ पे, क्योंकि ग्राम स्ट्रेन हम प्रैक्टिकल में करते ही हैं और एक एक मिनट का गैप होता है हर चीज में। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डाला क्रिश्चियन वॉयलेट, ठीक है, डाई डाला, 1 मिनट के लिए उसको रखा, उसके बाद उसको डिस्टिल वाटर से वॉश किया, उसके बाद हमने आयोडीन मॉर्डेंट डाला, उसके बाद हमने वापस 1 मिनट के बाद डिस्टिल वाटर से वॉश किया, उसके बाद हमने उसको डीकलराइज किया 3-4 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद हम उसके अंदर काउंटर डाई जो कि हमारी सेफ्रेनिन है वो डाला, ठीक है, एंड अगेन 1 मिनट के बाद उसको भी आप वॉश कर सकते हैं, ड्राई करिए एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अगर अपियर पर्पल इट विल बी पॉजिटिव, अगर पिंक दिख रहे हैं तो नेगेटिव होंगे, और ऑयल इमर्शन के अंदर हम देखते हैं। अब देखो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कैसे हमने देखा, तो ये सेल वॉल के बेसिस पे होता है। तो ग्राम पॉजिटिव में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है ना काफी थिक होती है और इसके अंदर टिकोइक एसिड होता है, ठीक है। और नेगेटिव के अंदर आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, नो टिकोइक एसिड, आउटर लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर के अंदर क्या क्या होता है, 4 पॉलीसेक्राइड्स consist of lipid A which has endotoxic activity, O antigen and lipid content, 3 चीजें हो गई आउटर लाइपोपॉलीसेक्राइड लेयर के अंदर, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स हो गई, लिपिड ए हो गया एंड ओ एंटीजन। लिपिड कंटेंट इन ग्राम पॉजिटिव इज ओनली 2%, जबकि लिपिड कंटेंट ग्राम नेगेटिव में 20% होता है। तो ये इनकी कुछ सेल वॉल्स में डिफरेंस है जो आपको बता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप ग्राम स्टेनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब ग्राम स्टेनिंग को अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि ग्राम पॉजिटिव ब्लू क्यों दिखा एंड ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक क्यों दिखा, तो प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग हम पहले कर लेते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो क्योंकि हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, और दूसरी चीज क्या थी, इसके अंदर लिपिड लेयर जो थी वो भी काफी कम थी इसकी, और पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो थी वो काफी थिन थी, लिपिड तो इसके अंदर है ही नहीं, टिकोइक एसिड था, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर डाई कैन नॉट मूव आउट, डाई बाहर नहीं निकल पाएगी, थिक होती ना इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, तो ब्लू डाई जो हमने स्टार्टिंग में डाली जेंशियन वॉयलेट वो बाहर नहीं निकल पाएगी। अब टिकोइक एसिड है इसके अंदर तो वो क्या करता है, वो भी डाई को बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है। आयोडीन क्योंकि आयोडीन हमने मॉर्डन के जैसे डाला है तो वो जेंशन वॉल डाई को, मॉर्डन का मतलब क्या होता है, वो बांध के रखेगा सेल वॉल के अंदर डाई को। अब देखिए डीकलराइजर्स लाइक एसीटोन एल्कोहल डिजॉल्व द लिपिड्स एंड कॉज डिसरप्शन ऑफ लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर, देयर बाय फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
अब क्योंकि हम अल्कोहल डाल रहे हैं तो अल्कोहल क्या करता है, लिपिड को डिजोल्व कर लेता है और अपने साथ उसको वॉश आउट कर देता है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में तो सिर्फ 2% लिपिड था और ग्राम नेगेटिव में 20% था, तो ग्राम पॉजिटिव को इतना इससे नुकसान नहीं होता है, उस वॉश आउट नहीं होती है उसकी डाइट, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो होती है लिपिड कंटेंट इतना ज्यादा है कि एसीटोन उसको अपने साथ वॉश आउट कर लेता है द एसिडिक, और उसकी लिपोपॉलीसेक्राइड की लेयर होती है वो भी डिसरप्ट हो जाती है। इसकी वजह से इजीली जो डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वो बाहर निकल जाता है। एसिडिक प्रोटोप्लाज्म ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बाइंड्स मोर स्ट्रांगली टू बेसिक डाई। जेंशन वॉयलेट एक बेसिक डाई है एंड उसको अच्छे से बाइंड करना, साइटोप्लाज्म में बाहर ना निकल देना, ये ग्राम पॉजिटिव में होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है। एक दो डिफरेंस और है वो मैं और आपको बता देती हूँ। ग्राम पॉजिटिव में अमीनो एसिड्स आर फ्यू, ग्राम नेगेटिव में मोर अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड ग्राम पॉजिटिव का हमें पता है प्रोटोप्लाज्म जो होता है मोर एसिडिक होता है, ठीक है, एंड ग्राम नेगेटिव का प्रोटोप्लाज्म इज लेस एसिडिक। तो ये ग्राम स्टेनिंग की पूरी बेसिस यहां पे हो गई है, क्योंकि ये हम सेल वॉल बैक्टीरियल एनाटमी पढ़ेंगे तो इसमें सेल वॉल पढ़ेंगे उसके लिए हेल्पफुल है। तब देखिए बैक्टीरियल एनाटमी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैक्टीरियल एनाटमी में हम कुछ ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सेल वॉल, न्यूक्लियस, कैप्स्यूल, फ्लैजिला, फिम्रिए, स्पोर्स। इनमें से भी अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे मुझसे तो वो है कैप्स्यूल, स्पोर्स, फ्लैजिला एंड सेल वॉल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बिल्कुल ही नहीं छोड़ के जाने, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट्स की हो चुकी है, सो लेट्स रैप अप। एंड ये जो बैक्टीरियल एनाटमी है ये मैं जल्दी से दूसरी वीडियो में अपलोड करूंगी एंड आई ट्राई एंड मेक दीज वीडियोज थोड़ा सा छोटा, क्योंकि बड़ी वीडियोज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक स्टे यू नो टिल एंड, 2x पे करके देखना एंड फटाफट से रिविजन हो जाएगा आपका। लेट मी नो ये वीडियो कितनी हेल्पफुल थी एंड आपके एक ये जो अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते हैं दीज रियली मोटिवेट मी, एंड प्लीज आप बताइएगा अगर कोई भी तरीका हो जिससे मैं इसको और बेटर कर सकूं। बाकी थैंक यू एंड बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड रेगुलरली देखो, आपका भी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी क्रॉस द थ्रेशोल्ड, इट्स 17 मिनट्स, बाय बाय।